हाय गाइस, जय हनुमान। जोसा के सिक्स राउंड के अलॉटमेंट के बाद जिन बच्चों को आईआईटीज का अलॉटमेंट हुआ है उनके दिमाग में अब बिल्कुल, क्योंकि जोसा के सिक्स राउंड के काउंसलिंग के बाद आईआईटी की आगे काउंसलिंग का प्रोसेस नहीं है, तो अब बच्चों को फाइनल रजिस्ट्रेशन की डेट, ओरिएंटेशन की डेट और क्लासेस की आईआईटी में कब चालू हो रही है इसको लेकर के बहुत ज्यादा कंफ्यूजन बनाई दे रहा है। तो आज के इस वीडियो में बात करने वाले पूरे के पूरे 23 आईआईटीज के रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कब चालू होगा, ओरिएंटेशन की डेट्स क्या अभी तक आ चुकी हैं और किस दिन आईआईटी की ऑनलाइन क्लासेस चालू होने वाली है। तो गाइस, स्टेप बाय स्टेप बात कर लेते हैं। सबसे पहले आईआईटी बॉम्बे का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस और ओरिएंटेशन दोनों की कॉमन डेट दी है, जो कि 24 नवंबर से 26 नवंबर है। क्लासेस चालू होंगी या तो 29 नवंबर को या फिर दिसंबर के फर्स्ट वीक में। आईआईटी दिल्ली का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस 22 से 26 नवंबर, लेकिन ओरिएंटेशन उन्होंने पहले से ही चालू करने की बात लिखी है 22 नवंबर और क्लासेस चालू हो रही है 29 नवंबर। आईआईटी कानपुर का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस 24 से 30 नवंबर के बीच में, ओरिएंटेशन का 30 नवंबर को चालू हो रहा है और क्लासेस इनकी 1 दिसंबर से चालू हो रही है। इसी तरीके से आईआईटी मद्रास का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस भी 24 से 30 नवंबर, ओरिएंटेशन इसका भी 30 नवंबर को है और क्लासेस आईआईटी कानपुर की तरह 1 दिसंबर को चालू होने वाली है। आईआईटी खड़गपुर की वेबसाइट पर अभी तक कोई प्रॉपर अपडेशन नहीं है। हर जगह पर जहां पर शेड्यूल की बात की गई है, शेड्यूल के लिए लिखा गया है टू बी अनाउंस, तो आईआईटी खड़गपुर का जैसे भी आएगा आपको इन्फॉर्म करूंगा। आईआईटी गुवाहाटी 22 से 25 नवंबर के बीच में रजिस्ट्रेशन है, 23 नवंबर को ओरिएंटेशन है और क्लासेस 4 दिसंबर से चालू हो रही है। आईआईटी रुड़की का भी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस 23 से 25 नवंबर है, ओरिएंटेशन इसका 24 नवंबर को है और क्लासेस इसकी 26 नवंबर को आईआईटी रुड़की ने लिखा है चालू कर रहे हैं। इसी तरीके से आईआईटी बीएचयू का 25 नवंबर को रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है, ओरिएंटेशन 29 नवंबर को है और क्लासेस 1 दिसंबर से चालू हो रही हैं। आईआईटी हैदराबाद की 24 नवंबर को रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है, ओरिएंटेशन की डेट डिफाइन नहीं है और क्लासेस 29 नवंबर से आईआईटी हैदराबाद की चालू हो रही है। धनबाद के लिए 24 से 28 नवंबर के बीच में जिन बच्चों को अलॉटमेंट हुआ है वो रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, जिनको आईआईटी धनबाद मिला है उसका ओरिएंटेशन आईआईटी धनबाद का 3 दिसंबर को है, क्लासेस इसकी 6 दिसंबर से चालू होने वाली है। इसी तरीके से आईआईटी इंदौर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस 24 नवंबर, ओरिएंटेशन 25 नवंबर, क्लासेस चालू हो रही है आईआईटी इंदौर की 26 नवंबर से ही। और आईआईटी गांधीनगर का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस 22 नवंबर, ओरिएंटेशन की डेट डिफाइन नहीं है, क्लासेस आईआईटी गांधीनगर की 23 नवंबर से चालू हो रहे हैं। बहुत जल्दी आईआईटी गांधीनगर क्लास चालू करने वाला है 23 नवंबर को। आईआईटी पटना का रजिस्ट्रेशन 24 नवंबर, ओरिएंटेशन 26 से 28 और क्लासेस आईआईटी पटना की चालू हो रही है 30 नवंबर से। आईआईटी रूपर्ड इसका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस चालू हो रहा है 20 नवंबर से, थोड़ा लेट जा रहा है 8 दिसंबर, ओरिएंटेशन इनका जल्दी है रूपर का 25 नवंबर और क्लासेस ये लोग 1 दिसंबर तक चालू कर रहे हैं। आईआईटी मंडी का 22 से 24 नवंबर के बीच में रजिस्ट्रेशन है, ओरिएंटेशन 22 नवंबर को है और आईआईटी मंडी की क्लासेस भी 1 दिसंबर से चालू हो रही है। आईआईटी जोधपुर जिसका लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आज ही अपलोड करी है, 27 से 30 नवंबर के बीच में रजिस्ट्रेशन है, 1 से 4 दिसंबर के बीच में ओरिएंटेशन है और 6 दिसंबर से क्लासेस चालू होने वाली है। इसी तरीके से आईआईटी भुवनेश्वर का 22 नवंबर को रजिस्ट्रेशन है, 23 से 25 नवंबर के बीच में ओरिएंटेशन है और क्लासेस आईआईटी भुवनेश्वर की 26 नवंबर से चालू हो रही है। आईआईटी तिरुपति का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस की डेट डिफाइन नहीं है, लेकिन ओरिएंटेशन 26 नवंबर को है, क्लासेस आईआईटी तिरुपति की चालू हो रही है 1 दिसंबर से। आईआईटी पलक्कड़ के लिए 23 से 27 नवंबर के बीच में आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, ओरिएंटेशन 24 से 27 नवंबर के बीच में है और क्लासेस आईआईटी पलक्कड़ की 29 नवंबर से चालू हो रही है। आईआईटी धारवार का, यहां आईआईटी धारवार के लिए आप सबको बोल देता हूं, उन्होंने फिजिकल बोला है कि बच्चे को फिजिकल रिपोर्ट करना होगा, अभी तक आईआईटी धारवाड़ की वेबसाइट पे यही लिखा हुआ है। केवल सारे आईआईटीज में केवल आईआईटी धारवाड़ ही ऐसा है जिसने फिजिकल रिपोर्टिंग और फिजिकल सारी बातें बोल रखी है। तो आईआईटी धारवाड़ का 4 से 5 दिसंबर के बीच में फिजिकल रजिस्ट्रेशन लिखा है, ओरिएंटेशन 6 से 11 दिसंबर लिखा है और क्लासेस 13 दिसंबर सबसे लेट यही चालू कर रहा है, 13 दिसंबर से आईआईटी धारवाड़ की क्लासेस चालू हो रही है। आईआईटी गोवा की वेबसाइट पर अभी तक कोई अपडेशन नहीं है, हाल फिलहाल अगर ये अपडेशन कल परसों में आ सकता है। आईआईटी भिलाई का ओरिएंटेशन की डेट दी है, रजिस्ट्रेशन की डेट नहीं दी, 24 से 27 नवंबर के बीच में ओरिएंटेशन है, इसके अलावा क्लासेस कब चालू होंगे इस बारे में आईआईटी भिलाई की वेबसाइट पे कोई अपडेट नहीं है। आईआईटी जम्मू का 23 से 26 नवंबर के बीच में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और आईआईटी जम्मू की क्लासेस 30 नवंबर से चालू हो रही है। यानी अगर मैं इसको वैसे भी देखूं तो कई सारे आईआईटी
जल्दी क्लासेस चालू कर रहे हैं 23 नवंबर से, कुछ आईआईटी चालू कर रहे हैं 26 से 29 नवंबर के बीच में, कुछ आईआईटी 1 दिसंबर को चालू कर रहे हैं और कुछ आईआईटी 4-5 दिसंबर को, और कुछ आईआईटी लगभग 13 दिसंबर यानी 13 दिसंबर तक क्लासेस चालू करने वाले हैं। तो गाइस जिन बच्चों को आईआईटी का अलॉटमेंट हुआ है वो आईआईटी की वेबसाइट पे पूरे रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को अच्छे तरीके से देख लें और उसी के हिसाब से जितने डॉक्यूमेंट्स उन्होंने मांगे जब रजिस्ट्रेशन के हिसाब से सारी की सारी डेट्स उन्होंने प्रॉपर तरीके से वेबसाइट पे अपलोड कर दी है। तो जो आईआईटी आपको अलॉट हुआ है अब उस आईआईटी की वेबसाइट पे जाइए, पूरे एडमिशन प्रोसेस को वहां सिस्टमेटिकली देखिए समझिए और उस प्रोसेस को कंप्लीट करने के बाद ही आपका आईआईटी में एडमिशन कंफर्म होगा। तो मिलते रहेंगे करियर अपडेट के साथ, हमारे साथ जुड़ रहे हैं, चैनल पर नए जरूर सब्सक्राइब कर लें, लेटेस्ट नोटिफिकेशन के बेल आइकन प्रेस कर लें। मिलते रहेंगे करियर अपडेट के साथ, विश यू ऑल द बेस्ट, जय हनुमान, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।